खबर दी आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत की जानिब से साइफर केस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद किए जाने के बाद चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ आसिफ नवीस से। आसिफ बताइएगा, दरख्वास्त पे क्या सदा की गई है? देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइबर केस जो उनका मुस्तरद है उसके बाद दरख्वास्त जमानत दायर कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बाकायदा वकील के जरिए दरख्वास्त दायर की है। अदालत से जमानत पर रहा करने की सदा की गई है। बैरिस्टर सलमान सफदर की जानब से के जरिए जो है दरख्वास्त जमानत दायर की गई है और दरख्वास्त मौकफ बनाया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी और इस्तगासा ने बदनीति पर मबनी मुकदमा दर्ज किया है। 14 सितंबर को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की थी और खसूसी अदालत ने बेजाबतियों और इस्तगासा के मुतद जो तजादात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया और चेयरमैन पीटीआई को बदनीति से इस मन घड़त मुकदमे में नामजद किया गया है, लिहाजा इनको फौरी तौर पर जमानत पर रहाई दी जाए, ऐसा कहना अपनी दरख्वास्त में। इस हवाले से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिसार ऑफिस में दायर कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, आपने अपडेट किया। इलेक्शन कमीशन के